कोटा में गर्मी से नगर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और जल स्रोतों में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी समस्या के बीच कोटा नगर पंचायत के सहनगर कांग्रेस सहित वार्ड की महिला और पुरुषों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नगर पंचायत कोटा कार्यालय का घेराव करते हुए ताला जड़ दिया, साथ ही जल्द मांग पूरी होने की बात ग्रामीणों ने कही है। नगर में व्याप्त बहुत बड़ी समस्या है, एक तो पेयजल समस्या सबसे ज्यादा है, उस समस्याओं को लेकर के उसके साथ साथ 12 एजेंडों का समस्या दिखा। उन समस्याओं को निराकरण के लिए बार बार हम लोगों ने सीएमओ के माध्यम से निवेदन किया, लेकिन सीएमओ के द्वारा बार बार उसको अनदेखी किया गया। अनदेखी करने के बाद ये स्थिति और भयानक हो गई कि पूरे वार्डो में पेयजल संकट गहराने लगा। इन मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने नगर पंचायत का घेराव किया है। नगर में पानी की व्यवस्था जो है, बोर में पानी नहीं आ पाने के कारण चरमरा गई है। बोर को सफाई करने की जरूरत है और अधिक बोर कराने की जरूरत है। इसी समस्या को लेकर लोग जो है यहाँ पर, पहली चीज, दूसरा क्या है, साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी थोड़ा सा चरमराई हुई है। रोड जो बन रही है, पूरे रोड की दुर्गति किया हुआ है जो है, जो जिस एजेंसी के द्वारा बनाया जा रहा है वो भी एक परेशानी है। इन्हीं सब समस्याओं के लिए जो है प्रमुख रूप से पानी की पूरे बस्ती में बहुत ज्यादा किल्लत है। मेरे हिसाब से व्यवस्था की गड़बड़ी है। पर्याप्त बोर है, 70-75 बोर है नगर पंचायत क्षेत्र में। अगर व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जाए तो मेरे को नहीं लगता कि पानी की दिक्कत नगर में आएगी, लेकिन सिर्फ प्रशासन और सीएमओ खासकर इनकी लापरवाही का नतीजा है जो आज नगर पंचायत का घेराव हो रहा है। नागरिकों ने कुछ मांगों को लेकर नगर पंचायत का घेराव किया गया था, उनकी मांगे सुनी गई है और उस पर रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है, सीएमओ से मांगी गई है कल तक डिटेल रिपोर्ट। उस पर वे आउट हम आगे देखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि नगर की जितनी भी समस्याएं हैं हम खुद आगे आके नागरिकों के सहयोग से और नगर पंचायत के सहयोग से हम सब दूर करेंगे।